सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल आर्किटेक्ट। सो सिविल आर्किटेक्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्केचअप में हम अपनी पसंद का मटेरियल या फिर टेक्सचर को किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है मेरे स्केचअप का। तो ये एक हाउस है एंड वहां पर हमें स्केचअप का जो डिफॉल्ट मटेरियल है वो यूज नहीं करना है, बल्कि हमें अपनी मर्जी का मटेरियल वहां पर यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं स्केचअप में कि हम अपना जो टेक्सचर गूगल या फिर किसी और साइट से जो हमने अपने टेक्सचर डाउनलोड किया होता है उसे उस टेक्सचर को हम स्केचअप में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए एक वीडियो रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पर अपनी स्केचअप स्क्रीन पर आ चुका हूँ एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक एलिवेशन ही क्रिएट किया है। ये कोई हाउस नहीं है बट जस्ट हाउस का एक एलिवेशन क्रिएट किया है ताकि हम लोग समझ पाए कि हमें ये एलिवेशन में अपनी मर्जी का कोई मटेरियल या फिर टेक्स्चर प्रोवाइड करना हो स्केचअप में तो कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आपने यहाँ से तो बहुत सारे मटेरियल्स को प्रोवाइड किए होंगे। ओके, आप यहाँ पर मटेरियल्स में गए, फिर यहाँ से आपने अपनी मर्जी का कोई भी ब्रिक या फिर जैसे कि ये मटेरियल चूज़ किया एंड प्रोवाइड कर दिया, लेकिन हमें अपनी मर्जी का मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो स्पेशल इसी के लिए बना है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको अपना कोई भी डाउनलोड किया हुआ टेक्स्चर प्रोवाइड करना होगा स्केचअप में तो वो फेस आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं अपनी मर्जी का टेक्सचर डालना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर से कोई भी कलर चूज़ कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ से ये येलो कलर चूज़ किया एंड यहाँ पर प्रोवाइड किया। गाइज, आपको यहाँ पर सबसे पहले कलर क्यों प्रोवाइड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि हम यहाँ पर भी हमने येलो कलर प्रोवाइड किया वहाँ पर हम अपना मटेरियल रिप्लेस कर सके इसके लिए, बाकी हमें कोई भी दूसरी कोई ज़रूरत के लिए नहीं। ओके, तो जैसे कि मैं इस वाली फेस पर भी येलो कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर भी मुझे अपना मटेरियल चाहिए तो अब जहाँ पर भी येलो है वहाँ पर हम अपना मटेरियल रिप्लेस करेंगे। तो इसके लिए एडिट में जाएंगे, एडिट में जैसे जाओगे तो यहाँ पर अपना ये येलो कलर दिखाएगा, फिर यहाँ पर आपको टेक्सचर दिखाएगा, वहाँ पर यूज टेक्सचर इमेज कर देना है। जैसे ही यूज टेक्सचर इमेज करोगे तो आपको यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ से डेस्कटॉप या फिर DEC कोई भी ड्राइव में जहाँ पर भी आपकी टेक्सचर इमेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर कई सारे टेक्सचर हैं मेरे पास तो मुझे ये वाला टेक्सचर चाहिए। ओके, तो इस वाले टेक्सचर को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर दूंगा। जैसे ही ओपन किया तो मेरा ये टेक्सचर यहाँ पर आ गया। अगर आपका टेक्सचर छोटी सी साइज़ में आया, लाइक यहाँ पर अगर आपने टेक्सचर किया एंड इस तरीके का टेक्सचर आ जाए, ओके, कि बहुत ही छोटी साइज़ में आए, तो इसकी साइज़ को बढ़ाने के लिए आप यहाँ से 1 की जगह पर 5 फिट करके देख सकते हो। जैसे ही 5 फिट किया तो हमारा टेक्सचर सही तरीके से यहाँ पर आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा टेक्सचर इस तरीके से आ चुका है एंड यहाँ से अब आप लेकर अपने टेक्सचर को कहीं पर भी प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया। ओके, तो अब मुझे इस वाली फेस पर वो टेक्सचर चाहिए तो मैं सिलेक्ट करूँगा, पोर कर दूँगा, फिर सिलेक्ट करूँगा एंड फिर पोर कर दूँगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर दो जगह पर टेक्सचर दे दिया। अब सपोज़ कि मुझे इस वाली वॉल पर एंड यहाँ पर मुझे दूसरा कोई टेक्सचर चाहिए तो इसके लिए आपको सिलेक्ट में जाना है एंड इस वाली वॉल पर आपको कोई भी कलर प्रोवाइड कर देना है। सपोज़ मैं ग्रीन कलर प्रोवाइड करता हूँ, फिर यहाँ पर भी जाना है एंड इस वाली वॉल पर भी वही सेम ग्रीन कलर आपको प्रोवाइड करना है एंड यहाँ पर भी आपको सेम वही कलर प्रोवाइड करना है। अब जहाँ पर भी ग्रीन कलर है वहाँ पर मैं अपना टेक्सचर रिप्लेस कर दूंगा। तो एडिट में गए, फिर यहाँ से यूज टेक्सचर। ओके, तो अब यहाँ से मैं ये ग्रीन कलर का जो वर्टिकल क्लैडिंग्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये मैंने टेक्सचर प्रोवाइड कर दिया है। ओके, तो आप देख सकते हो कि जहाँ पर मैंने ग्रीन कलर किया था वहाँ पर अपनी मर्जी का टेक्सचर आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर अपना कोई टेक्सचर डालना है तो इसे सिलेक्ट करूँगा या फिर ओके इसे यहाँ से मैं कोई भी एक कलर प्रोवाइड पहले तो कर दूंगा। तो ये ब्लू कलर मैंने प्रोवाइड कर दिया, अब यहाँ पर भी सेम ब्लू कलर ही प्रोवाइड करूँगा।
करूँगा, मैं अब एडिट में जाऊँगा, यूज़ टेक्सचर इमेज करूँगा, एंड यहाँ से मुझे ये वाइट कलर का मटेरियल चाहिए, तो मैंने ये वाइट कलर प्रोवाइड कर दिया। तो बस इसी तरीके से आप अपनी मर्जी का कोई भी मटेरियल स्केचअप में इजीली प्रोवाइड कर सकते हो। अब सिंपली आपको यहाँ पर से उसकी हाइट एंड विड्थ चेंज करनी हो तो आप कर सकते हो। सो गाइस, कुछ इस तरीके से आप स्केचअप में अपना मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हो, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।